शाहिद साहब, आपको वॉइस ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। आज हम आपकी ज़िंदगी से आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि आप लैंकशायर में पैदा हुए, आपके नेबरहुड में कितने पाकिस्तानी थे आपकी फैमिली के अलावा, और कैसा एक्सपीरियंस था, इफ इट वाज अ वाइट नेबरहुड तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्टली माफ़ कर दे, मेरी जरी पंजाबी काफ़ी टूटी है ते उर्दू ऐसा तो भी टूटी है, सो आई ट्राई सम पंजाबी एंड सम इंग्लिश मिक्स। जिथे मैं पैदा हुआ वो प्रोडामली चिटा एरिया से इंग्रेज, मैं भी उन इंग्रेज हाँ, बट दैट टाइम इट वाज जस्ट वाइट, अबाउट 95% वाइट। सो ग्रोइंग अप काफ़ी रेसिज्म ऐसी, सो वेरी डिफिकल्ट ग्रोइंग अप, लॉट ऑफ रेसिज्म, लॉट ऑफ वायलेंस। आपकी कंस्टिट्यूएंसी से एक शख्स था मोहम्मद सादिक खान, जो लंदन के बम हमलों में मुलव्वस था। आप इंग्लैंड में पैदा हुए, वहाँ ग्रो अप हुए, रेसिज्म का एक्सपीरियंस आपको भी हुआ, सही, यू टर्नड आउट टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, श्योर, आप पॉलिटिशियन बने, पहले मुसलमान मिनिस्टर रहे, उस बंदे ने सुसाइड बॉम्बिंग का फैसला किया। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे ये फ़र्क पैदा हुआ, शुरू हुआ, ये ब्रेक कहाँ आई? असली गल है भाई, काफ़ी है ने मुसलमान यूके च, एंड दे फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री एट मेनी थिंग्स, सम लेजिटिमेट सम नॉट सो लेजिटिमेट। सो फॉर एग्जांपल कश्मीर देखते हैं, आखते हैं उत्थे वाइज नो जस्टिस फॉर कश्मीर, पैलेस्टाइन देखते हैं वाइज नो जस्टिस फॉर पैलेस्टाइन, यूके च देखते हैं जिहड़ी मीडिया है quite often negative role play kar diye, so anger the frustration is in many people, mere ch bhi hai, but main apne aap nu matlab khudkushi suicide bombing nahi karda pya, farak hai they have a twisted perverted interpretation of Islam, un da Islam hai nahi, oh samjhde ne assi apne aap nu khudkushi karke dujjan nu qatl karke musalmanan nu vi te assi jannat ch jaane ha, my message is that these are not martyrs going to heaven, these are sinners going to hell. That's what my Islam teaches me, and that's the message that we need to give to non-Muslims all around the world. America mein 911 hua, Britania mein 77 hua, uske baad dono governments ne react kiya, jo America mein hua aur jo Britania mein hua, aap batayenge ki usme aapko fark kya nazar aata hai aur usme similarities kya hain, और जो गवर्नमेंट्स का रिएक्शन था, जो पब्लिक का रिएक्शन था, और सबसे बढ़कर जो ख़ुद मुस्लिम कम्युनिटी का रिएक्शन था, फ़र्क काफ़ी सी। इसके लिए 9/11 के बाद यूएसए च एक तूफान आ गया सी, काफ़ी मुसलमान अली भी डरते हैं, काफ़ी मुसलमान आखते हैं साड़िया जेरे राइट्स हैं इस मुल्क च प्रोटेक्टेड नहीं तो रिस्पेक्टेड नहीं, तुसी देख सकते अज कोई 17 स्टेट्स हैं जेरिया बैन करते पे ने शरिया लो, कोई बंदा श्रेय लो मंगता ही नहीं पाया, पर लोग बैन करते पे ने, एज इफ टू क्रिएट अ सेंस दैट मुस्लिम्स आर द प्रॉब्लम। यूके च अलहमदुल्ला आफ्टर 7/7 डर जरूर है सी, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं सी भी मुसलमान प्रॉब्लम ने, साडा रिस्पॉन्स सी भी जे टेररिस्ट ने वो प्रॉब्लम ने। तो अफसोस की गल है यूएस च जे मुसलमान है ने दे अमंगस्ट द मोस्ट मच्योर, द मोस्ट एजुकेटेड, मिडल क्लासेस प्रोफेशनल्स, सो इना जी डेंजर इना तो इज मच मोर लिमिटेड, वी हैव गॉट अ रियल चैलेंज ऑफ एक्सट्रीमिज्म यूके च। ये तो वो हुआ कि जो गवर्नमेंट्स ने किया, व्हाट अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी? वेल देयर इज अ गुड स्टोरी टू टेल हियर फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव, बिकॉज मेरा ख्याल है जो यूएस मुसलमान हैं, एंड आई बीन कमिंग फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, दे हैव बीन प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल इन ट्राइंग टू क्रिएट सही इस्लाम दखान अवाम इस मुल्क च, वो नहीं इस्लाम जरा उसामा बिन लादन दा है, इसके लिए मेरा भी नहीं इस्लाम, वो किसी का नहीं इस्लाम, वो तो सिर्फ एक ही इस्लाम है। सो दे बिन वर्किंग वेरी हार्ड सही इस्लाम के। यूके च पहला मेरे ख्याल काफ़ी डिफेंसिव, काफ़ी डिनाइल सी, वही साढ़े को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऑफकोर्स इज अ प्रॉब्लम, हूँ आहिस्ता आहिस्ता मतलब बंद अखा खुल दी पी ने। मेरा मैसेज है वेदर इन द यूएस और यूके, condemning enough nahi, sada kam confront karan, if there are people who are espousing a perverted interpretation of Islam, sada kam to speak against them, kitne hadees bhi hain jehri aadi ne bhai je musalman koi cheez dekhe jo kuch wrong hai fir koshish kare stop karan physically verbally ya inside to think is a bad thing, the main samna bhi hai sanu challenge hun
to move from condemnation to confrontation. Asi pehla sun lende san gallan sanu asi soche sirf gallan ne hun sanu pata hai gallan can lead to actions. 7-7 was one of those actions. आप पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं, आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मज़हबी तासुब, इस किस्म की चीज़ों पर काम करते हैं. आपको क्या लगता है कि दुनिया में क्या मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान फ़र्क कम हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, या अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है और कशीदगी बढ़ रही है? काफ़ी बंदे फ्रस्ट्रेटेड ने आखते ने भाई असी इतना कुछ किया है तो अभी भी इशूज ने. My only message is, je tusi utna kuch na kita hunda, then the situation would be much worse. So I think it's going in the right direction. Aap Britania ke pehle Musliman wazir bane. Sahi. Aapne jab aap bade ho rahe the, aapne racism dekha. Is racism ki ceiling ko aapne kaise break kiya aur kya aapko siyasat mein bhi racism ka samna raha? Asli gal racism sare khadre. Main already bol baithe hain sari jari racism hai. Ilaqaism, brotherism, firqaism, ye wo. There is racism, no doubt. But two approaches ne to racism. Ya tusi matlab withdraw jao, ya tusi matlab withdraw wate scream karo ye racism, racism, racism. Ya tusi mano, we racism is there. But if that means I have to work twice as hard to get there, then I should work twice as hard to get there. Iskali main notice kit there. Just for the see punch go air position on you, then you educate other people that actually Muslims are humans, people of Pakistani origin are human, they're as talented and as weak and frail as anybody else, and by doing so you break down barriers and you build bridges. Wo kya cheez hai jo khud musalmanon ko karni chahiye wo nahi kar rahe aur response mein unko kya milna chahiye jo nahi mil raha? I mean, I talked about some of it. Mere khayal hai ve jara take Pakistan, for example. Massive challenges, education. Majestly, International Development Minister Summer, double KTC aid to Pakistan, especially focusing on education. There's two parts of education. One is schools, academic education. The other is Islamic education. Very, very big challenges. If we can get both of those right, then inshallah the future is bright for Pakistan. We were speaking earlier, tusi compare karo with India and Bangladesh. 90% othe jere bache hai ne, primary school che enroll hunde ne. Pakistan less than 60%. Jera mulk apne bachiyan nu sahi taleem nahi de reha, oh, tarakki kinch karega? It won't do. So I think education, Islamic education, very, very big. I'll go slightly controversial. January che jis jithe Punjab governor assassinate hoye ne Salman Taseer sahab, it was a shock to everybody. Sare matlab Pakistan che shock si, across the world shocking si, but jehri cheez us to vi chokhi shocking si, ve hazar hazar bande on the streets jinne qatl kita unu aade san vi oh koi kism da hero hai, te eh cheez kafi damage kita Pakistan the image nu. Asli gale kam aisi imama da the scholars da akhan vi asi vi blasphemy law support karne hai, lekin jo kus es shakhs ne kita hai eh kanoon jera mulk da hai ode khilaf hai te khuda da kanoon ode khilaf hi hai, te main samna eh sirf ho sakda hai iske Islamic education sahi tarah chaldi nahi pi Pakistan che. Big challenge, big challenge. Shahid Malik, aapka bahut shukriya. Thank you.